ये खतरा है, खतरा है, खतरा है, बाहर। दाढ़ी बहुत चुभ रही थी करके मैंने उड़ा दी, पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ, बट bear with me for 3-4 days. Welcome back to the channel everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. समय आ गया है एक खूबसूरत सा होटल छोड़ के वापस मुंबई जाने के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग जा रहे हैं दिल्ली सिर्फ एक दिन के लिए। कैसा लगा वसीम होटल में स्टे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप कैसे? सोनू सूद जब मैं कदरज में था तो मेरी जो कोरियन फ्रेंड्स थी, बिकॉज वी यूज टू ऑलवेज रिमेन क्लीन शेव, दे यूज टू कॉल मी द यंगर वर्जन ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन। पता है अभी इतना नहीं लगता बिकॉज थोड़ा चबी चबी हो गया हूँ, लेकिन सोनू सूद इज ऑल्सो वेरी हैंडसम। होटल वाले को नहीं परेशान करने के लिए थैंक यू। चलो, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है ऐसा क्लीन शेव करके आपके सामने आ रहा हूँ। हम लोगों ने पहचाना नहीं, कैमरा देख के मैंने पहचाना। मैं सोचा कि क्लीन शेव करूंगा, चुपचाप निकल जाऊंगा, कोई पहचानेगा नहीं, सबको लगेगा फॉरेनर। बाय गाइस, थैंक यू। बहुत मजा आया और अच्छा भी लगा दिल से। एंड सॉरी कि मैं मीटअप नहीं कर पाया, लेकिन As I said, meetup के बिना भी meetup हो ही जाता है। 2 घंटा 50 मिनट लगेगा ऐसा गूगल माता बता रही है, और 151 किलोमीटर, लेट्स सी हम इसको जल्दी कर सकते हैं नहीं, बिकॉज़ टुडे सैटरडे तो ट्रैफिक कम मिलेगी। डीजल भरा लिया है, अभी लेते हैं 5 मिनट का क्विक ब्रेक कॉफी पी के। यस, चिचड़ी कुछ और कुछ हल्का फुल्का, बहुत भूख लगी है। अभी से माफी कैपेचिनो, ओनली ब्लैक कॉफी। सुन रहे मेरी बात? देखो, बट विद स्वीट एंड लो, नॉट विद दिस शुगर, स्वीट एंड लो। मैं शुगर नहीं डालते हैं। That was a much needed coffee break. Coffee. आहा, गाड़ी बहुत गर्म हो गई अंदर से। मैंने अक्सर नोटिस किया काफी लोग टनल में आके हैजार्ड लाइट ऑन कर देते हैं, बिकॉज मंकी सी मंकी डू। हैजार्ड लाइट हम तब ऑन करते हैं जब कुछ प्रॉब्लम होती है, ना कि टनल के अंदर। सो अगर आप किसी को जानते हो, अगर आप भी ऐसा करते हो तो गलत फैमिली में मत रहो। मैं भी शुरू में करता था, टनल में आके हैजार्ड लाइट चालू करता था, बिकॉज मैंने अपने दोस्तों का देख के किया, लेकिन ऐसा करना गलत है। हैजार्ड लाइट इज ओनली फॉर इमरजेंसी, और कुछ पंचर वंचर या कुछ ब्रेकडाउन हुआ तो, समझ गए। पहुंच तो गए, लेकिन बहुत गंदा वाला ट्रैफिक लगा, 3.5 घंटे लग गए बस। बचा कुचा भी निकाल दिया भाई। अच्छा वो स्कूटर वो बिल्डिंग में खड़ा किया, वरना तो भाई फंस जाता तू, तेरा स्कूटर इधर लेना पड़ता। अब जाएंगे कैसे? चढ़ के और कैसे गिरेंगे तो नहीं भाई। खतरा है, खतरा है, खतरा है, बाप रे। बच गया, कसम से बच गया। मुंह पे पड़ती मेरे, वसीम के मुंह पे लगता, और वसीम हॉस्पिटलाइज है भाई। एक मिनट आ जा। मरा बच गया। मुझे निकालनी है अपनी एक्सेस, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो आज मैं निकालूंगा अपनी बॉस प्लान तो टाइगर चलाने का, लेकिन अभी बॉम्बे में क्या टाइगर निकालू, तो KTM इट इज। लगा नहीं था कि एक बार में चालू हो जाएगी, दूर दशा थोड़ी खराब है बाइक की। और ये रही एलिमिनेटर, वो रही टाइगर, सो रहे हैं। और ये रही मेरी माँ, हंस रही जब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो मेरे काम पे क्यों हंसती हो? एक माँ अपने बेटे के काम पे हंस रही है। मजा आ रही है इतनी टाइम बाद KTM चलाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिटी में, क्योंकि सैटरडे है, रास्ता खाली है, और मुंबई में ठंडी भी काफ़ी है, तो क्या। इतने महीनों बाद KTM चला के मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, दैट टाइगर एंड एक्सेस हैव स्पॉइल्ड मी टू अ होल डिफरेंट लेवल। टाइगर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग राइड एंड कंफर्ट, एंड एक्सेस इन टर्म्स ऑफ सिटी राइड। क्या बोलती शानिस? यस, बट आई लाइक। मैंने और शानिस ने गोवा टू मुंबई एंड मुंबई टू गोवा किया है ऑन KTM।
अभी हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे तू बैठ गई, कैसे हम लोग ने चला लिया 750 किलोमीटर दैट टू इन 8.5 आवर्स. God knows, I guess he was very thin. We were thin and we were extremely passionate about traveling. Honestly speaking, I still love this baby. It's just that I have to move on, you know. You have to move on in your life, bro. But first love is first love. Pehla ye pehla. और अभी ब्लैक कॉफ़ी के बाद सीधे अपन आगे लगे ग्रीन टी में, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. और शैनिस मैडम ने बोला कि चलो आज ग्रीन टी ट्राई करते हैं, तो वाई नॉट. पहले एक टाइम पे बहुत पीता था, अभी फिर से ब्लैक कॉफ़ी पे आ गया. और बहुत लोग मुझे पूछते कि मैं वॉलेट नहीं दिखाता, तो ये रहा मेरा वॉलेट और ये है टाइटन का, इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय शैनिस. और मैं अंदर नहीं दिखाता क्योंकि अंदर कुछ दिखाने लायक है ही नहीं, पैसे नहीं है, 10-20 रुपये हैं और एक एक रियल है. हाँ, पैसे ऑल्सो इज गिफ्टेड बाय मी. नहीं, अपन कार्ड पे जीते हैं, बिकॉज मोदी जी ने बोला है ना गो ऑनलाइन. नहीं, क्या बोला? गो डिजिटल. Go cashless. Because मोदी जी ने बोला है go cashless. चल, तो अभी चल रही है late night meeting for some upcoming project. तो meeting खत्म करता हूँ, फिर आपको आराम से मिलता हूँ. अभी बता नहीं सकता, surprise है. मीटिंग जो है कुछ ज़्यादा ही लंबी चली, जिसकी वजह से हम लेट सोए, लेट टूटे. और अभी मेरा दिन की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे मलार टेस्टर्स कैफे में. गिफ्ट है, ले लो. वैसे हम गिफ्ट देते नहीं ज्यादा. कैसा लगा? Nice, right? Yes. पहना करो उसको. चाइनीज ने नए कैमरे के लिए लिया है नया लेंस सैमसंग 85mm ऑन A7R3. जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसमें मैंने बताया था कैमरे के बारे में. T1.5 लेंस का मतलब somewhat equal to f0.95. मतलब बहुत ही अच्छा लेंस है. एंड द बेस्ट पार्ट, थोड़ा सस्ता है क्योंकि ऑटो फोकस नहीं है, तो मैनुअल फोकस करना पड़ेगा. ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में ऑलमोस्ट 50,000 रुपये का डिफरेंस था बस. तो मैंने शैनिस को बोला थोड़ी मेहनत कर लेते हैं और मैनुअल फोकस सीख लेते हैं. तो मैनुअल ही चाहिए था, लेकिन ये वाला स्पेसिफिकली ये वाला लेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है. फोटोज वहाँ आ रहे हैं. आशीष, तेरे हाथ में ऐसा कैमरा बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, लेकिन अगर शैनिस को ये कैमरे से फोटो चाहिए फॉर समथिंग. हम लोग ने ग्रीस में लेके गए थे ये कैमरे से फोटो निकाला था, अगर आपको याद नहीं तो देख लो व्लॉग. बैंकॉक से लिया था, ग्रीस में काफी इस्तेमाल किया था. वो क्या है, जो लोग को डिजिटल फोटो नहीं चाहिए तो इससे वो निकलता ना ऊपर से वाला फोटो, खचिक खचिक वाला पोलोरॉइड. पोलोरॉइड कैमरा बोलते हैं उसको. वॉट एवर इट इज, आशीष के हाथ में थोड़ा विचित्र लग रहा है, बिकॉज आशीष के हाथ में मैंने हमेशा बड़ा और महंगा कैमरा देखा है, तो ऐसा कुछ जम नहीं रहा. चलेगा, चलेगा, सब चलेगा, बिल्कुल भी जम नहीं रहा. आजा आजा आजा. दिस लुक्स गुड, राइट? द लॉन्गर यू लीव इट ना, अच्छे से और कलर आएगा. इतना महंगा महंगा कैमरा यूज करने के बाद भी ऐसा फोटो देख के पता नहीं मन में इतनी खुशी क्यों होती है. हम मनुष्य भी कितने अजीब और गरीब होते हैं यार. उन्होंने खींच दिया. हां, खींच दिया. गरीब बोलने की दबा दिया. कैंडिड और एक ये देखो यार. Satisfying to watch, isn't it? Anyways, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेरे रेगुलर व्यूअर हो गए. और अगर रेगुलर व्यूअर हो तो आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो. अभी आने वाले 8 से 9 दिन होने वाले मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है एक दिन शूट के लिए, और आने के बाद मुझे मुंबई में अपना ड्रीम प्रोजेक्ट खत्म करना है किसी भी हाल में 19 के पहले, क्योंकि 19 के बाद मैं जाना हूँ इंडिया से बाहर. और अगर तब तक खत्म नहीं हुआ तो फिर आने के बाद ही होगा, जिसके लिए लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम. सो कोशिश करूँगा कि 19 के पहले खत्म करूँ. एंड गाइज, गोना बी गोइंग मैड. मतलब जितनी भी मेहनत लगी है ना करने के लिए, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना. वैसे ये टेक्निकली तो रख सकते हो क्योंकि ये कुछ अलग होगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपको अच्छा लगेगा. फिर भी आप कमेंट करो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला है. तो आज के लिए बस इतना ही. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. नए हो तो नीचे लाल कलर का बटन दबा दो, क्योंकि अगर आप नए हो और यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करे बिना काहे को जानेगा बॉस. सो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो. एज ऑलवेज, शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड्स, बिकॉज तेरा भाई मुंबई का. मोदी जी ने बोला गो कैशलेस, कैशलेस, कैश, कैशलेस. नहीं, कैशलेस थोड़ी होता है. कैशलेस. अच्छा.